खबर डोंडी से है, जहां पर जबकसा गांव के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हाथी का दल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। 4 दिनों से हाथियों के दल ने जबकसा गांव में आतंक मचा रखा है। रात में हाथियों के दल ने जबकसा गांव में कई घरों को तोड़ा और घर में रखी फसल को भी खा गए। साथ ही बाउंड्री वॉल और शौचालय को भी तोड़ दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा और दहशत है। मामले में मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने जबकसा गांव पहुंचकर डीएफओ से चर्चा की और ग्रामीणों से बातचीत की और सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया। हुई है उसका आज आकलन किया जा रहा है और आकलन पश्चात जो भी शासन की गाइडलाइन के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। और माननीय मंत्री, इस क्षेत्र के विधायक माननीय मंत्री अनिल भेड़िया जी भी कल इस क्षेत्र की दौरा में हैं और वो खुद जाके वहाँ मुआयना करेंगी और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि अधिक से अधिक जो क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की। हाथियों का आतंक यहाँ इस कदर है कि इस विशालकाय जानवर से अब लोग थर थर कांपने लगे हैं। यहाँ तक कि उनके मकान और उनकी फसलों को भी ये हाथी खा रहे हैं, उन्हें बर्बाद करने की कगार पर जुड़े हुए। यहाँ तक कि कभी कभी तो इंसानों पर भी हमला करने से हाथी नहीं चुकते हैं। अब ऐसे में लोग सहमे हुए बैठे हैं। लक्ष्मीकांत सहयोगी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, यहाँ पर हाथियों का जो दल है कब से विचरण कर रहा है और वन विभाग ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? बताना चाहूंगा, हाथियों का दल लगभग 20 दिनों से डोंडी वन परिक्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और शाम होते ही गांव के तरफ रहवासी इलाकों में हाथियों का जो दल है वो पहुंच जाता है और लोगों को कभी घरों को तोड़ रहा है, कभी फसल बर्बाद कर रहा है और विभिन्न प्रकार से ग्रामीणों को उससे क्षति हो रही है, कभी मवेशियों को मौत के घाट उतार रहा है, जिसको लेकर आज प्रदेश की कद्दावर मंत्री, महिला मंत्री है अनिला भेड़िया और वो इस विधानसभा की विधायक भी है, जो आज जबकसा गांव, लिमौडीही गांव और खुर्सी टिकुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना और उन्हें संवेदनाएं दी कि हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है और हर भरसक मदद करने के लिए तैयार है और जो जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उनको जो सरकार की मुआवजा राशि है वो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मंत्री के द्वारा स्वेच्छा अनुदान राशि से प्रत्येक हितग्राही जो हाथियों के आतंक से परेशान है, जिनकी फसल रौंदी गई है, उन हितग्राहियों को बकायदा मंत्री अपने स्वेच्छा अनुदान राशि से 15-15 हजार रुपए देने की भी उन्होंने बात कही है। जी लक्ष्मीकांत, यहाँ पर जो कितने लोगों के किसानों हैं जो यहाँ पर, उनके कितनों के घर तोड़ दिए हैं इन हाथियों ने? कितने हाथियों का दल है ये? ये हाथियों का दल 22 हाथियों का है जो विगत 20 दिनों से यहाँ डटा हुआ है और दर्जनों किसानों का एक एक गांव में ये नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे जो दर्जनों गांव है वहां एक गांव में 10, किसी गांव में 20, किसी गांव में 30, ऐसे किसानों का नुकसान पहुंचा रहा है और रोज ये शाम ढलने के बाद किसी ना किसी गांव को अपना शिकार बना रहा है। तो जो दर्जनों गांव है वो आज भी दहशत में जीने को मजबूर है और वही वन अमला पूरी अपनी टीम को लेकर चारों ओर दिन रात लोगों को सतर्क करने में जुटा हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत आपका शुक्रिया। बलौदाबाजार के बिलाई